Hey kids, how are you all? I am Nisha, teacher from Ashwamedh Vidyalaya. We have started chapter number 3, Revenge, in our moral book. Here, what do you mean by revenge? Revenge means a negative vibes, one type of negative vibes. In Hindi we call it as badla. यानी कि जब हम किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं किसी से, सो हम उसे रिवेंज कहते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ मंकी लिव इन अ डेंस फॉरेस्ट. दे यूज टू क्लाइंब द टेम्बरेट ट्री टू प्ले. वो लोग एक जंगल था, घना जंगल. वहाँ पे वो जो मंकीज रहते थे वो सब टेम्बरेट ट्री के आजू बाजू खेलते थे. द मदर मंकी यूज़ टू कम फर्स्ट एज यूजुअल ऑन द टॉल टेम्बरेट ट्री. यानी कि यहाँ पे जो मदर मंकी है वो सबसे पहले आती थी और सबसे ऊंची डहनी पे बैठ जाती थी. शी यूज़ टू होल्ड हर बेबी परहैप्स अ वीक ओल्ड क्लास्प टू हर बूस्ट. यानी कि उसको गोदी में बिठा के उसको हक करके बैठी रहती थी. देन शी यूज़ टू क्लाइंब हाई ब्रांच टू फीड हर बेबी. वो सबसे ऊंची डहली पे जाके उसके बेबी को फीड करती थी. आफ्टर सम टाइम अ डजन ऑफ मंकी यूज टू अपीयर टू होल्ड एंड फॉन्डल द बेबी. यानी कि ऊपर नीचे उछालते हैं ना बेबीज को, वैसा करते थे या फिर कुछ भी खेलना, तो वो सब दूसरे डजन यानी कि बहुत सारे 12-13 मंकी आके उसके साथ खेलते थे. द मदर वुड सिट प्राउड एंड कंटेंट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. वो क्या करती थी कि जब तक वो सब खेलते थे ना, तब उसको देखती रहती थी और सबको बोलती रहती थी कि संभल के ऐसा. शी वुड सून क्लेम द बेबी बैक एंड गिव इट अदर फीड. और उसके बाद वो जल्दी अपने बेबी को उनके पास से ले लेती थी और उसे वापस से खाना खिला देती थी. देन शी यूज़ टू कम डाउन फॉलोड बाय द अदर मंकी एंड यूज़ टू गो अवे टुगेदर आफ्टर सम टाइम. दूसरे मंकी उसको रास्ता बताते थे कि आप इधर से नीचे आ जाओ, तो वो भी नीचे सबके साथ आके थोड़ी देर बाद वो चले जाते थे. बट दैट डे द मंकी सेट सेपरेटली ऑन द ब्रांच एंड लुक्ड क्वाइट एंड टिम्ड. एक दिन वो मंकी जो थी मदर मंकी, वो एकदम शांति से बैठी हुई थी और देख रही थी. द मदर ऑल्सो सीम टेंस, बहुत टेंशन में भी थी वो. द बेबी वॉज हाफ कंसोल्ड. यानी कि वो बेबी जो था उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी. अ ह्यूज मंकी वॉज मूविंग अराउंड द टेम्बरेट ट्री. ही क्लाइंब अप द ट्री. द अदर मंकी ऑल्सो बिकम स्कैर्ड एंड टेंस. ये सब देख के बहुत सारे मंकी, एक बड़ा सा मंकी जो है वो झाड़ के आजू बाजू घूमने लग गया था और वो अनजान मंकी था, उसको देख के सब लोग भी डर गए थे. द अदर मंकी ऑल्सो बिकम स्कैर्ड एंड टेंस. इट वॉज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. वो सब डर गए थे, वो क्या करेगा अभी. ही सडनली स्पन अराउंड डैश्ड अप द ट्री एंड सेट बिफोर द मदर मंकी. आजू बाजू घूम के मदर मंकी के आस बाजू में आके वो बैठ गया. द मदर मंकी ट्राई टू शील्ड हर बेबी विथ हर बॉडी. उसने अपने बेबी को उसके बॉडी से ऐसा करके छुपाने का बहुत ट्राई किया. बट शी वॉज लिम्ड विथ फियर. वो एकदम डरी हुई थी. द इविल लुकिंग ह्यूज मंकी स्नैच द बेबी अवे. उसने वो बेबी को छीन लिया, वो जो डेविल मंकी था ना उसने. थ्रू इट अप इन द एयर. उसको ऐसे हवा में उछालने लग गया. एंड देन बेबी फेल ऑन द ग्राउंड. इट ऑल हैपेंड इन अ फ्यू सेकेंड. कुछ ही मिनट में वो बेबी जो है वो नीचे गिर गया. और अब क्या होगा देखते हैं आगे. द मदर वॉज शॉक फॉर अ वाइल. Then she burst into a loud cry. एकदम शॉक में चली गई उसकी मम्मा. देखो ये उसकी मम्मा है और ये डेविल मंकी है. एकदम शॉक, अरे बाप रे ये क्या हो गया. और वो एकदम गुस्से में रोने लग गई. द मंकी सैट बैरिंग द पैसेज डाउन द ट्री एंड आफ्टर सम टाइम ही टर्न अवे. थोड़ी देर वो बैठी, फिर उसने वापस से नीचे उतर के. द मोमेंट द ह्यूज मंकी लेफ्ट द एटमोसफियर गॉट फील्ड विद अ रिवर्बरेशंस ऑफ पेनफुल क्राइज. यानी कि जोर जोर से सब लोग रोने
लग गए. ऑल द मंकीज केम डाउन टू द ट्री एंड गैदर अराउंड द बेबी. उन लोग सब ये बेबी के आजू बाजू आ गए. द बेबी वॉज डेड. ऑल द मंकीज बिकेम क्वाइट. वो जो बेबी मंकी था वो क्या हो गया था, मर गया था. द मंकी सैट इन अ नैरो सर्कल. द मदर स्टार्टेड बीटिंग हर ब्रेस्ट विथ हर पाउज. वो अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके अपनी छाती पे मारने लग गई. नेक्स्ट डे द मदर मंकी वॉज देयर अगेन बट विदाउट द अदर मंकीज. वो वापस से मंकी आई वहाँ पे, लेकिन दूसरे मंकी के साथ नहीं, अकेली आई. शी अकॉम्प्लिश्ड बाय अ ह्यूज बीस्ट हु टुक हर टुक द लाइफ ऑफ हर बेबी. वो जो मंकी था डेविल मंकी, उस तो बहुत गुस्से में थी कि उसने उसका बेबी मार दिया करके. दे लुक्ड वेरी फ्रेंडली. शी वॉज लुकिंग अपटर्न्ड. वो एकदम अलग दिख रही थी, एकदम जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम मस्त फ्रेंडली दिख रही थी. शी वॉज नॉट लुकिंग सैड. बुरी भी मीन्स उदास भी नहीं लग रही थी. द ब्रूट केम आफ्टर हर. वो जो ब्रूट, वो जो खराब इंसान था, वो उसके पास आया. शी वेंट अराउंड एंड अराउंड द वेल इन द प्लेफुल वे. वो क्या कि एक वेल है, उसके आजू बाजू वो मस्त जॉयफुल तरीके से घूम रही थी. द बीस्ट मंकी ऑल्सो फॉलोड हर. बीस्ट मंकी यानी कि जो बुरा, जो डेविल मंकी था, वो उसे फॉलो करने लगा. देन सडनली शी क्लाइम जम्प अक्रॉस द वेल. शी डिड इट मैनी टाइम्स. वो क्या की पहले तो वो वेल के आजू बाजू घूमने लगी, और फिर क्या किया उसने कि वो वेल के अंदर ऐसा कूदने का एक्टिंग करके वो दूसरी साइड आ जाती थी. शी थ्रू अ क्विक ग्लैंस एट हिम एंड आस्क हिम टू डेयर सो. उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया कि तू भी कूद, ऐसा करके उसको डेयरिंग डेयर करने के लिए बोल दिया. द बिग मंकी एग्रीड टू जंप अक्रॉस द वेल एंड ही स्टार्टेड जंपिंग. इधर से उधर वो वेल के आजू बाजू घूमने लग गया. द मदर नोटिस हिज फ्लाइट. द मोमेंट ही वॉज जस्ट अबाउट द वेल शी कॉट हिम एंड पुल्ड हिम डाउन इन टू द वेल. ऐसा ऐसा करके उसने क्या किया, उसको अंदर धक्का मार दिया, खींच दिया. द मंकी वॉज ट्राइंग टू पुल हर सेल्फ अप बट द मदर मंकी ड्रैग्ड हिम अंडर द वाटर विद ऑल हर माइट्स. शी सक्सीड टू टेक हर रिवेंज. वो उसको पकड़ के अंदर नीचे खींचने लगी कि वो भी मर जाएगी तो भी कुछ नहीं, लेकिन उसका बदला तो ले लेगी कि नहीं. As you sow, so you will reap. यानी कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ एंड दिस फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑल्सो. सो थैंक यू एवरी वन. बाय बाय, टेक केयर.